नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 45 दिन का एक रीडिंग कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जो 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। और उसकी ये पहला सप्ताह है जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। और इस पहले सप्ताह में क्या क्या गतिविधियाँ होनी हैं, कौन कौन सी कहानियाँ हैं, उन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। क्लास के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास में कौन सी कहानी कौन से दिन पढ़ाई जानी है, जैसे बाल वाटिका से कक्षा 2 तक जो कहानियाँ हैं, सोमवार को पढ़ो कहानी बड़ा या छोटा, मंगलवार आम और कोयल, बुधवार को घर, गुरुवार गोल क्यों होते हैं बुलबुले, शुक्रवार हाथी और चींटी, शनिवार चैती का स्वेटर। और ये जो लिंक इसके नीचे दिए हुए हैं, आप इस PDF पर डायरेक्ट टच करके इन्हें ओपन करके बच्चों को पढ़वा सकते हैं। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए जो दी गई हैं गतिविधियाँ, सोमवार को आज हम कहाँ चले, मंगलवार गोनू झा की भैंस, बुधवार सोते क्यों नहीं नन्हे शेर, गुरुवार मैना ने सूरज को कैसे खाया, शुक्रवार पेड़ पंक्षी का खेल, शनिवार हमारा पुस्तकालय। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियाँ दी हुई हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, आप बच्चों को अलग अलग तरीके से इन्हें पढ़ा सकते हैं। सोमवार को अब्दुल और बाघ, मंगलवार खुश खुश मुर्गियाँ, बुधवार तितली और इंद्रधनुष, गुरुवार अल्लाह मियाँ का घोड़ा, शुक्रवार अंगारों से शब्द, शनिवार ये मुँह और मसूर की दाल। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें एक पठन कार्यशाला का आयोजन करना है इसी सप्ताह, जिसमें बच्चे समुदाय के लोग मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इसमें 2-3 विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे, जिसमें समुदाय के लोग भी होंगे, शिक्षा विभाग से भी होंगे और पंचायत से भी लोगों को इसमें शामिल करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, और भी लिंक का यूज करके हम बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, और समझाने के बाद में खुद बच्चों की समझ विकसित करने के लिए उनसे उन पर प्ले या अभिनय करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी भाषा में बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और उन्हें बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ हो, जब आप उसे करके देखते हो, बच्चे केवल पढ़कर इतना याद नहीं कर सकते जितना वो देखकर और खुद करके आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे ऑनलाइन जो वेबसाइट हैं वो दी हुई हैं, दीक्षा पोर्टल्स आप यूज कर सकते हो, NCERT वेबसाइट, NVT, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, तो इन सब का यूज़ करके हमें बच्चों को ये कहानियाँ पढ़वानी है, सिलेबस कराना है और 45 दिन का जो रीडिंग कैंपेन है इसे पूरा कराना है। तो दोस्तों, ये है week 1, ऐसे ही हमारा ये चलने वाला है दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक, और हमें बच्चों को निपुण बनाना है। तो आज के लिए ये PDF है, इतना ही। नेक्स्ट वीक का जब भी PDF आएगा तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।